वहाँ पे भी सेम नॉलेज जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज अ हैबिट ऑफ टीचू मल्टीडिसिप्लिनरी जिसे आप बोलते हो, एक चैप्टर का छोटा कॉन्सेप्ट दूसरे में पूछ लें। आज आप बताओ क्या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफिशियली कोई टीचर पढ़ाता है? नहीं, बट फाइनल अकाउंट में दबा के करवाता है। मैंने भी कराया है, इनडायरेक्टली टीचर जो अच्छे हैं वो भी कराते हैं। तो इनडायरेक्टली सिलेबस का पार्ट है, छोड़ नहीं सकता। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 14 पे आते हैं बच्चों। इलस्ट्रेशन 14 क्या कहता है मैं बताता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक एज पर फीफो मेथड, और नीचे लिखा हुआ है ऑल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट। आई रिपीट, ऑल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट। किसी को कोई दिक्कत? नो दिक्कत, मेरी बात। आपने तेजस रिकॉर्डिंग में देखा था, कुछ बच्चों ने, एक पीरियोडिक सिस्टम होता है परपेचुअल। जब मुझे डेट वाइज दे रखा है बाय द एंड ऑफ द पीरियड, अगर से नहीं कह रहा पीरियोडिक मेथड फॉलो करो, तो आप क्या फॉलो करते हो? परपेचुअल। और रिकॉर्डिंग में एक चीज मैंने और भी बोली थी, लर्न करना, दैट इज ऑलवेज अरेंज द डेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, चाहे वो परचेज किए चाहे वो सेल किए। जैसे इस क्वेश्चन में देखना क्या करने जा रहा हूँ, 4 फरवरी 17 फरवरी 20 फरवरी रफ में अपने पास लिख रहा हूँ। फिर मार्च में जब बारी आई, मैंने लिखा 2 5 10 30 31, है ना। दो ये फेब था, ये मार्च, 2 5 10 30 31, और बीच में एक डेट और आ गया नेहा, 20th मार्च, और एक डेट और आ गई 29th मार्च, है ना। मैंने ये डेट्स लिख के रखे, किसी को दिक्कत? मैंने ये डेट सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दी, क्योंकि ये मेरा स्टाइल है, या आप कह लो हर एक टीचर का स्टाइल होता है, कि परपेचुअल में आपने सबसे पहले डेट्स को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उस डेट पे परचेज कॉल्ड यूनिट्स रिसीव हो रही है, सेल कॉल्ड यूनिट इशू कॉल्ड सोल्ड कर दिया। अब आप लोग मेरी हेल्प करते जाओगे, मैंने फॉर्मेट बना दिया जो आपने देखा था, फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड कॉलम रिसीट्स, मतलब यहाँ परचेजेस रिकॉर्ड होती है, क्वांटिटी रेट अमाउंट। सर ये अलग अलग कब कब लिखते हो बेटा? जब जो लास्ट क्लास अगर आप कुछ क्वेश्चन, जब जो फीफो मेथड और लीफो मेथड होता है अलग अलग लिखते हो, जैसे वेटेड एवरेज आता है टोटल टोटल, ऐसे बोला था सब कुछ इकट्ठा करना है, अमाउंट भी और क्वांटिटी भी, क्योंकि वेटेड एवरेज प्राइस मेथड इज नथिंग बट इकोनॉमिक्स का एवरेज। शायद रिकॉर्डिंग में भी वेटेड एवरेज प्राइस मेथड इज नथिंग बट इकोनॉमिक्स का एवरेज कॉस्ट, विच इज टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी। सो फार सो गुड, ऑल राइट। 17th फेब के बाद अब क्या हुआ? 20th फेब को क्या किया? कितनी यूनिट्स? 25। कौन सा मेथड? फीफो। तो कहना है चिड़ी और तोता उड़ ऊपर से, शिलाजमी ऊपर से, और लीफो में नीचे, ऐसे था 20 यूनिट्स 15 वाली बेचती होंगी और 5 यूनिट्स 14, तो बची कितनी? 25 यूनिट्स 14 वाली। कोई दिक्कत?
यही मान लो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता तो आप सारी 25 इसमें से बेच देते, लास्ट इन फर्स्ट आउट तो सारी की सारी इसमें से बेच देते, तो 5 इसमें से और 20 उसमें से बच जाती। वेटेड एवरेज होता तो आप पहले से इनको इकट्ठा करके एक ही रेट बना देते, इनको इकट्ठा मतलब 720, इनको इकट्ठा मतलब 50, 720/50 कॉल्ड इकोनॉमिक्स का एवरेज कॉस्ट, अकाउंट्स में दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज प्राइस, और वो जो रेट आता है उस पे इशू कर देते। ऑल अबाउट मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल व्हाटएवर वी हैव डन इन ऑल दीस थ्री मेथड्स। चलो देने रेट, देखो मैं स्मार्ट हूं, आपने अब बोला, आप नहीं बोलती, मैं पूछता हूं सेल के रेट का क्या क्या। बेटा यहां मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखना चाहता हूं या सेल्स, बात करता हूं सेल्स प्राइस कब यूज करूंगा जब प्रॉफिट निकालूंगा। आपकी इन्वेंटरी वैल्यूएशन में आपको वैल्यू कॉस्ट पे करनी है और यूनिट्स जो बेची उसकी भी तो क्या निकालनी है, कॉस्ट। वो सेलिंग प्राइस का कब यूज करूंगा जब मैं सेम क्वेश्चन के लिए क्या निकालूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट। मैं सेलिंग प्राइस कब यूज करूंगा बच्चों, व्हेन आई कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है मतलब मेरी बात। डन। 20th फेब के बाद क्या हुआ बच्चों, 2nd मार्च क्या किया आपने, हाउ मेनी यूनिट्स हैव परचेस, 40 यूनिट्स एट द रेट 14 और 20 80 580। अब कैन आई से आई हैव 25 यूनिट्स 14 रुपीस वाला एंड 40 यूनिट्स 14 रुपी 580 ना। नेक्स्ट 5th मार्च कितनी यूनिट्स बेची, 40। तो कैन आई से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो 25 यहां से और लास्ट इन फर्स्ट आउट होता तो ओके। नाउ हाउ मेनी यूनिट्स वी हैव सेल्ड फॉर द 40 मतलब 25 एंड 15 14 रुपीस वाली और 14 रुपीस 50 पैसा वाली, ये कितना आ गया बच्चे 14 और 15 का टोटल 210 तो 217.5। तो अब हमारे पास बाकी कितनी यूनिट्स बची, 25 कौन से रेट वाली, तो ये कितना आ गया 350 362.5। तो इस मेथड में तो कुछ है नहीं, इस चैप्टर में भी ज्यादा कुछ नहीं है बच्चे, सीधा सीधा चलते हैं, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, कुछ है ही नहीं इसमें। 5th मार्च, उसके बाद नेक्स्ट डेट कौन सी आ गई, 10th मार्च, फ्री के नंबर वाला होता है सेल, कितना किया बच्चों, ऑब्वियसली अब तो फर्क ही नहीं पड़ता फ्री फॉर लीव फॉर, क्योंकि एक ही तरह का स्टॉक है, 10 यूनिट्स एट द रेट बची कितनी, एट द रेट 14। नेक्स्ट अर्जुन 20th, देखो आपने डेट जो ऊपर लिख रखी है ना, अपनी डेट्स देखोगे पहले फिर बुक में पढ़ो, 20th मार्च को क्या हुआ, 20th मार्च को 2 यूनिट सोल्ड ऑन 10th मार्च वर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर, 2 यूनिट सोल्ड ऑन 10th मार्च वर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर। बड़े प्यार से रिमाइंड जी, जब आपने सेल की थी तो आपने इशू वाले कॉलम में लिखा था क्योंकि यूनिट्स चली गई, सेल रिटर्न में यूनिट्स कौन से कॉलम में, रिसीट में लिखो या उस इशू वाले में माइनस करके दिखा दो बात, वो देख लेना आपकी स्कूल टीचर कैसे करती है, वो दिन प्राइस बुक था लेकिन तो क्या हो गया, इतनी क्या टेंशन है, डेट लिखी है अंग्रेजी में, कौन सी वाली सेल है, तो टेंशन मत ले मेरी बारी। 20th मार्च कितनी यूनिट्स वापस आई, 2, जितनी भी आई डेबिट व्हाट, इसीलिए रिसीट वाले कॉलम में लिख दो या सेल वाले कॉलम से माइनस करके दिखा दो बात, बट स्टॉक में तो ऐड होगा क्योंकि गुड्स आर कमिंग, सेल रिटर्न गुड्स आर कमिंग इन, ऑलराइट कितनी यूनिट्स, 2। ये कौन सी यूनिट्स है जो हमने कब बेची थी, 10th मार्च को बेचते वक्त, सॉरी बेचते नहीं बेचते वक्त व्हाट इज द रेट यू हैव टेकन, तो रिटर्न आते वक्त भी कौन सा रेट, थैंक यू वेरी मच। 10th मार्च को व्हेन यू सोल्ड देम, यहां पे आपने सेल वैल्यू थोड़ी उसकी कॉस्ट लिखी है और मेरे को तो कॉस्ट रिकॉर्ड करनी होती है, बताओ जो यूनिट्स बेची थी किस रेट पे बेची थी, 14.5 कॉस्ट सेलिंग प्राइस नहीं, किस कॉस्ट पे बेची थी, 14.5 वाली कॉस्ट वाली, तो वापस भी तो 14.5 वाली आई है, 14.5 कितना आ गया बच्चों, 29। सो फार सो सर, अगर 5th मार्च वाली वापस आ रही तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कौन सी वाली रेट पर, 5th मार्च वाली आई होती, सिंपल सी बात है,
हम जब इश्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे करते हैं तो रिटर्न भी एब्सोल्युटली, बिकॉज अदरवाइज में क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकता, फिर उसको नहीं तो बताना पड़ेगा रिक्विजिशन नंबर वन वाला या रिक्विजिशन नंबर टू वाला, बट आपको इतना डिटेल कभी नहीं पूछना पड़ेगा, सो वी डोंट हैव टू किसी को भी नहीं पूछना। ओके नाउ मेरे पास स्टॉक कितना हो गया 15 यूनिट्स 14.5 वाली है ना, भाई जल्दी में है तो मैं जल्दी में एंड 2 यूनिट्स फिर से 14.5 वाली, क्योंकि मैं तनिका की बात सुन रहा हूँ, व्हाट इफ 5 मार्च वाले में से होता तो 14 वाला ही तो काम हो गया, 14 वाला ही तो वापस आया होता, अलग अलग लिख के दिखा था, इसीलिए मैं जानबूझ के अलग अलग लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे बुक ने भी दिखाया। मान लो यहाँ पे तो 2 रेट्स एग्जिस्ट करते होते और वो कहते ये रिटर्न किसमें से आया 5 मार्च वाले में से, तो मैं कहता कौन से वाला रिटर्न आया, फर्स्ट वाला, सॉरी हाँ फर्स्ट वाला, उसका रेट क्या, तो फिर मैं रिटर्न में रेट कितना लेता और अलग से दिखाता, ये तो कोइंसिडेंटली आए दोनों के रेट सेम है ना भाई, आज तो कोइंसिडेंटली उन दोनों के रेट सेम। यस नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सी डेट आ रही है 29, क्या हुआ वन यूनिट वॉज डैमेज एंड इट हैड टू बी डिस्कार्डेड। मेरा तो आपसे एक ही सवाल है, मुझे इस बुक से मतलब नहीं है, आप यहाँ लॉस की जो यूनिट्स हैं उसे नॉर्मल लोगे या एबनॉर्मल, अगर आप एबनॉर्मल लोगे ट्रीटमेंट चेंज होगा, अगर आप नॉर्मल लोगे तब भी ट्रीटमेंट चेंज होगा, उसका रीज़न है इसलिए तो बता रहा था। नॉर्मल स्टॉक यूनिट्स नॉर्मल लॉस यूनिट्स reduces the units but not the value, whereas abnormal loss units are treated as sales called issue type. Abnormal loss units are treated as sales type. देखो आप जरा page turn करना बच्चों। It is assumed that assumption units discarded is a आपको paper में problem कभी नहीं आएगी, आपको paper में लिखा हुआ आता है treated as normal or 99 का, अगर नहीं लिखा आता आप by writing an assumption solve कर सकते, आप राइटिंग एंड अजम्पशन सॉल्व कर सकते हो, नॉर्मल या एबनॉर्मल आप कुछ भी अजम्पशन दे सकते हो क्योंकि वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। हाँ बोलो यूनिट डैमेज बिकॉज ऑफ फायर ऑटोमेटिकली इट्स यूनिट्स डैमेज बिकॉज ऑफ लीकेज जिसे ब्रांच में बात करते हैं एंड ड्यूरिंग ट्रांजिट इट्स नॉट सौ में से एक दो यूनिट तो खराब होती, तो वहाँ ऐसी लैंग्वेज यूज होगी जिसे ब्रांच में भी लैंग्वेज के बेसिस पर कई बार आप जज करते हो नॉर्मल या एबनॉर्मल। सिमिलरली आप इस चैप्टर में भी जज कर दोगे नॉर्मल या अभी मुझे इस बुक से आंसर टैली करने के लिए फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैंने अज्यूम कर लिया इन्हीं बुक ने जो बोला अज्यूम शॉर्टेज टू बी ताकि मैं आपको बता सकूं। ओके कौन सी डेट को उत्तर 29 मैंने क्या बोला था इट विल रिड्यूस द यूनिट्स बट नॉट द यही कहा था इट विल रिड्यूस द यूनिट्स बट नॉट द कोई दिक्कत। अब मेरे बच्चों मेरी बात सुनो यूनिट्स कितनी बची वैल्यू कितनी बची क्योंकि दोनों का सेम है ना, अदरवाइज मैं इसमें से इश्यू करके दिखा देता बट आज तो फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि दोनों का रेट इज द पॉइंट बट बिकॉज ऑफ दिस आपका पर यूनिट रेट बढ़ जाएगा, तो करते थे उसमें भी जॉइंट वेंचर, वो जॉइंट वेंचर वापस आपको पढ़ना है अपने लिए बच्चों 246.5 upon 16 ये कितना आ गया बच्चों मैंने चीटिंग मार दिया 15.4 approximately किसी को कोई दिक्कत। Now let us talk अगर क्वेश्चन में लिखा होता नहीं आप बस यही एक पॉइंट बताना है नया और कुछ नहीं है treat shortage to be abnormal chill माने यार इसमें तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि मैंने क्या बोला था ट्रीट एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स एज जैसे सेल के लिए फीफो या लीफो लगाते हो वैसे लगाना बेटा क्या दिक्कत अगर आ गया 10 ईयर में कोई क्वेश्चन दिखेगा प्रैक्टिस तो करेंगे कर देंगे ऐसे बट आज आपने फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी क्योंकि मुझे बुक से टैली करना था इसीलिए हमने भी बुक की तरह एज्यूम कर लिया ट्रीट शॉर्टेज टू बी कोई कुछ भी एज्यूम कर सकता है इट्स एन असम्पशन बट ज्यादातर बुक्स आई डोंट एग्री विद दिस बुक जब आप टेन ईयर में देखेंगे जब नहीं लिखा होगा सब लोग क्या बोलते हैं मैंने ब्रांच में भी बोला था नॉर्मल या नॉर्मल
नॉर्मल या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। यस। छोटा सा जो पॉइंट सिखाना था, एक सेल रिटर्न वाला सिखा दिया, एक स्टॉक वाला डिफरेंट केसेस के साथ बता दिया। अच्छा मैम, उसके बाद 29 के बाद कौन सी डेट आ गई? उत्तर 30th को क्या होगा? परचेज 15 यूनिट्स एट द रेट 15.50 एट द रेट 13.65। ये हमारे का 16 यूनिट्स 15.4 एप्रोक्सीमेटली 246.5 एंड 50 यूनिट्स 13 वाली 6। 31st को क्या हुआ? 45 यूनिट्स। तो मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, 16 यूनिट्स तो कौन सी वाली बेची हुई है और 29 यूनिट्स, क्योंकि टोटल 45 बेचे ना आपने, 31 को आपने 45 यूनिट्स बेची है ना, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, लीफ होता ना पूरी इसमें से चली जाती, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता तो पूरा इसमें से चला जाता। आज 16 तो ये वाला चला गया और 29 13 वाला चला गया। कितना आ गया मुझे? 370। तो मेरे बच्चों के पास कितनी यूनिट्स बच गई? 20 मेरी क्लोजिंग स्टॉक। अगर कुछ बच्चों को याद हो मैं कह रहा था, जैसे ही आप इश्यू की अमाउंट ऐड करोगे क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑफ, बट प्लीज बी केयरफुल। सर मतलब अमाउंट ऐड करते वक्त अगर कोई एबनॉर्मल शॉर्टेज थी तो उसकी अमाउंट को ऐड, बट आज भी ये अमाउंट थोड़ी सी गलत आएगी। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल्स रिटर्न भी है, तो जब सेल रिटर्न हुई तो ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थोड़ी है, इसके अगेंस्ट सेल रिटर्न का इफेक्ट तो अभी भी डालना, इसके अगेंस्ट। प्लीज सुनना बच्चों, अगर सेल रिटर्न नहीं होती आई वाज एब्सोल्युटली राइट। इश्यू क्या है? जो यूनिट्स बेची हैं उसकी कॉस्ट, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बट आज इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बोलूं? इस टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से दो यूनिट वापस भी तो आ गई है, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट समझ आती है इतनी बात। और इसको अब मैं करके बता देता हूँ। क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट जो थी, ऑल्सो कैलकुलेट, क्वेश्चन ने बोला था ना बच्चों, ऑल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट। आई रिपीट, क्वेश्चन ने बोला था ना उत्तर, ऑल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट। बचपन से चलते आए हैं तेजस, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज प्रॉफिट। सेल्स, मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, कितनी यूनिट्स बेची थी बच्चों 20th फेब को? और उसका सेलिंग प्राइस अब बताओ ना, सेलिंग प्राइस, क्योंकि मुझे सेल्स चाहिए, व्हिच इज सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी। नाउ आई नीड द सेल्स, नाउ आई विल यूज माय सेलिंग प्राइस। क्या रेट बच्चों? 20। कितना आ गया? 500। फिर आपने कितनी यूनिट्स बेची बच्चों? 40 यूनिट्स एट द रेट 21। उसके बाद आपने कितनी यूनिट्स बेची? डोंट से इट, सीधे कह दो इट। ये क्या करते हैं मुझे मतलब नहीं, मैं पहले 8 लिखूं फिर सेल रिटर्न माइनस करूंगा, मैं सीधा सेल की कितनी यूनिट्स की बुक करूं जो एक्चुअल में सेल हुई। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन हो सकती है और कुछ नहीं बच्चों। तो यूनिट सोल्ड आप दिखा सकते हो टीचर को 10 में से 2 तो वापस आ गई, तो इफेक्टिवली तो सेल हुई नहीं। तो बाय डूइंग दिस आपने डायरेक्टली क्या निकाल लिया? नेट सेल्स। आपने उत्तर डायरेक्टली क्या निकाल लिया? नेट सेल्स। नहीं तो पहले 10 का लिखोगे फिर सेल रिटर्न अलग से माइनस कराओगे बाद, एक ही है। रेट क्या बच्चों? कितना आ गया बच्चों? 144 करना था एक बार, 144 आ रहा है उनका, 180 आ रहा होगा। देखिए बच्चों 180 आ रहा होगा, नहीं पता बोलना तो बड़ी जबरदस्त क्लास पार्टी है। हाँ पर चल दो ही बात, उसके बाद हम अपना कर लेते ना, हम क्यों डरे। फिर आपने 45 यूनिट और दी थी, उसका रेट 50। कितना आ गया? 670। अब इसका टोटल करते हैं, दैट विल बिकम माय नेट सेल्स वैल्यू, दैट विल बिकम माय नेट सेल्स वैल्यू। उनको मत देखो बच्चों, अभी उनको छोड़ दे, जाने दे, हवा आने दे, टेंशन ना दे।
कोई दिक्कत? उसके बाद भगवान हमारा भला करे, हमें इसमें से क्या माइनस करना है? अपन जल्दी में नहीं, हमें इसमें से क्या माइनस करना है? उसको कॉस्ट ऑफ गुड सो इन्हें लॉस प्रॉफिट निकाला कि नहीं निकाला? पता नहीं क्या समझ नहीं आ रहा, मैं अपना अपना कर लेता हूँ। हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात करते हैं। क्या इस क्वेश्चन में कोई ओपनिंग स्टॉक था? क्या इस क्वेश्चन में कोई ओपनिंग स्टॉक था? नहीं था। ठीक है, आप इसका जरा टोटल बताओ। थोड़े स्मार्ट बच्चे बनते हुए 300 प्लस 70 प्लस 350 प्लस 217.5 प्लस 145 प्लस 246.5 प्लस 377.17। बट इसमें से क्या माइनस कर दो? जो यूनिट्स आपके साथ दो यूनिट, और उसकी कॉस्ट माइनस करो ना, और कॉस्ट कितनी? 14.5। तो ये मेरे पास क्या आ गई? नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये मेरे पास उत्तर क्या आ गई? नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1706 माइनस 16। तो बताओ मेरा प्रॉफिट कितना? 5। मेरा 482 आ रहा है बच्चा। उनका कितना है? यही तो मतलब है बच्चों, और क्या मतलब? मैं इनके आंसर से एग्री नहीं करूंगा। तो एक मिनट और दे दो। 30 × 15 30 × 14 40 × 14.5 उसके बाद 50 इंटू देखा 1950, ये इनमें माइनस किया 245 और क्लोजिंग स्टॉक है 25 में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 25 में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 36 हमारा 36 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। मैं नहीं दे सकता मेरे हिसाब से, ये आंसर है। मैं एक बार दोबारा सोच लेता हूँ, दो मिनट और देता हूँ, लेट मी थिंक इट लॉजिकली, बट आई गो विद दिस आंसर।